हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइस राय की। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन हम बना चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट सेकेंड में करेंगे 20+ क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश को किस गवर्नर जनरल ने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? तो हमारे ऑप्शन क्या है, वॉरेन हेस्टिंग, वो लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली या एलन ब्रो। इंग्लिश को किस गवर्नर जनरल ने उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? तो हमारा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिक ने। लॉर्ड बेंटिक ने इंग्लिश को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन, रविवार की छुट्टी किसके काल से शुरू हुई, मतलब रविवार की छुट्टी किसके शासन से शुरू हुई? ऑप्शन है लॉर्ड होल्डिंग या लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड डलोजी या लॉर्ड बेंटिक। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के शासन काल से ही रविवार की छुट्टी शुरू हुई। आधुनिक भारत का निर्माता किस ब्रिटिश को कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किस ब्रिटिश को कहा जाता है, डलोजी को, एलन ब्रो या पेंटिक या मिंटो? तो हमारा ऑप्शन है इधर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलोजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, कोलकाता में, अजमेर में, दिल्ली में या अमृतसर में? लॉर्ड मेयो द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन बना, कैनिन, डलोजी, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो? तो हमारा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। भारत का यहाँ शुरू कैसे होते हैं, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल और फिर भारत का गवर्नर जनरल, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके देखें। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, पहली अनियमित जनगणना किस वर्ष हुई, 1873 में, 1858 में, 1875 में या 1872 में? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, 1872 में। और किसके टाइम में ये हुई, लॉर्ड मेयो के समय में। किस वायसराय की मृत्यु अफगानों के हाथ हुई? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या रॉबर्ट क्लाइव। तो हमारा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की मृत्यु अफगानों के हाथ हुई और कहाँ हुई, अंडेमान निकोबार में। हमारा एट क्वेश्चन, नियमित रूप से जनगणना किसके काल में हुई, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1884 के आसपास हुई है। तुम्हारा नाइन्थ क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लोजी? तुम्हारा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा टेंथ क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड लोजी? तुम्हारा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। तो ये एक्ट क्या था, ये प्रेस पर बहुत ही कठोर एक्ट था। परंतु लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्नाक्यूलर एक्ट किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड रिपन ने। तुम्हारा 11th क्वेश्चन, 1885 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का गठन हुआ, लॉर्ड कर्जन या ओए ह्यूम या लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में
कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1905 में, 1908 में, 1907 में या 1909 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1905 में। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन बना, कौन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलोजी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। भारत में पहली रेल किसके शासनकाल में चली, लॉर्ड डलोजी के, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलोजी के समय में भारत में पहली रेल चली, और कहां से कहां, मुंबई टू ठाणे के बीच, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर ये चली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई, लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड होल्डिंग या लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड होल्डिंग के समय में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया, तुम्हारे ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में। ये एल्बर्ट बिल क्या था, इसी बिल के कारण भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था, और ये किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता किस वायसराय के समय में मिली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड होल्डिंग। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। हड़प नीति, हड़प नीति किसके शासनकाल में आई, मेयो के, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या डलोजी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलोजी। हमारा 19वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में म्यांमार या जिसे बर्मा कहते भारत से अलग हुआ, लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलोजी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में म्यांमार भारत से अलग हुआ। 20वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, मेकमोन लाइन है, डूरंड लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है या कैप ऑफ वुड। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो लॉर्ड लेंस डाउन के द्वारा खींची गई थी। ये ऑप्शन ए की बात करें मेकमोन लाइन, तो यह है भारत और चीन के बीच, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारे 21वां क्वेश्चन, भारत का पहला IAS कौन बना, हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले IAS बने। 22वां क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता मतलब IPC की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड लोजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में IPC की स्थापना हुई। ₹1835 में बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की, कोलकाता में, सूरत में, मद्रास में या दिल्ली में। तो 1835 में बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की, कोलकाता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलने वाला पहला राज्य कौन सा था? मूह मध्य प्रदेश था, या सूरत गुजरात था, या सतारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सतारा, महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का एक राज्य था, वो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य मिलने वाला पहला राज्य था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और चक्रवर्ती गोपालाचारी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगर तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।